नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पान के पत्ते का फेशियल किस तरह से करना है ये बताऊंगी और इसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छी स्किन मिल सकती है। वैसे तो आपने बहुत सारे फेशियल के बारे में सुना होगा, जैसे कि गोल्ड फेशियल, सिल्वर फेशियल, प्लैटिनम फेशियल, फ्रूट फेशियल, पर हो सकता है कि पान के पत्तों का फेशियल आपने पहली बार सुना होगा। तो दोस्तों, पान का इतना अच्छा महत्व है हमारे स्किन के लिए कि अगर आप एक बार ये फेशियल को ट्राई करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। पान के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और इसी की वजह से हमारी स्किन की बहुत ही गहराई से सफाई होती है और हमारी जो स्किन है बहुत ही अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही सुंदर हो जाती है। तो अगर आपको भी इस पान के पत्ते के फेशियल के बारे में जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक बेल आइकन बटन मिलेगी, उसे भी क्लिक कर दीजिए। इसे करने से आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है क्लींजिंग। क्लींजिंग करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पान के पत्तों के रस की और रोज़ वाटर की। रोज़ वाटर में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और इसकी मदद से अपने चेहरे पर 3 से 5 मिनटों के लिए क्लींजिंग कर लीजिए। और क्लींजिंग करने के लिए आप रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगी जिसके लिए आपको चाहिए पान के पत्तों का पेस्ट और 1 चम्मच नमक। नमक में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है हमारे स्किन के लिए। नमक की वजह से हमारे स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। और अगर आप चाहें तो कुछ बूंदे नींबू की रस की भी मिला सकते हैं। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर अपने चेहरे पर हल्के हाथों से स्क्रब करिए। सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज भी कर दीजिए। ऐसा करने से जितना भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड या डेड स्किन सेल है ये सब निकल जाएगा और आपकी स्किन की बहुत अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको थर्ड स्टेप बताती हूँ जो कि है स्टीमिंग। स्टीमिंग की वजह से आपकी जो स्किन है वो गहराई से साफ होती है और स्टीमिंग के लिए आपको स्टीमर का इस्तेमाल करना है और लगभग 5 मिनटों के लिए आपको स्टीम यूज़ करनी है अपने चेहरे पर। पर अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक पतीले में गर्म पानी करके भी उसके स्टीम से अपने स्टीमर वाला जो स्टेप है उसे कम्प्लीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको चौथा स्टेप बताऊंगी जो कि है फेस पैक। इसके लिए आपको पान के पत्तों का पेस्ट चाहिए और 1 चम्मच बेसन चाहिए। बेसन में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा बना देता है। और थोड़ा सा गुलाब जल चाहिए, गुलाब जल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। इन तीनों को मिलाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगभग 15 से 20 मिनटों के लिए लगाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने चेहरे को धो लीजिए। और इस तरह से आपका ये पान के पत्तों का फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। इस फेशियल को हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार ज़रूर करें। अगर आप इसे नियमित रूप से 2 से 3 महीनों के लिए करते रहेंगे तो आपकी स्किन में एक बहुत ही अच्छा बदलाव आप देख पाएंगे और आपकी स्किन सालों साल तक जवा रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी ऐसे ही और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।